सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है आज मैथ का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, दोस्तों हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट 2, जी हाँ दोस्तों, मैथ का हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व कर रहे थे। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं दोस्तों तो उसको देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट 2 में दोस्तों हम लोग जो पिछली क्लास थी हमारी, कल क्लास नहीं चली थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कहीं बाहर जाना पड़ गया था दोस्तों। परसों जो क्लास चली थी उसमें हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था दोस्तों। परसों वाली क्लास में हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहां लिखा हुआ है एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट, तो वहां पर जो है आपको इसकी पिछली क्लास मिल जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा परसों वाली क्लास। और आज हम लोग जो है 43 के आगे डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद करिए, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद करिए और शेयर करिए। मात्र 4 लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक बार शेयर करिए दोस्तों और जय हिंद लिखिए आप लोग। हेलो जय हिंद, नितेश, विवेक जय हिंद, आशीष जय हिंद। एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद करिए। विशाल जय हिंद। दोस्तों देखिए हम लोग जो है जो सुबह वाली बैच है 10 बजे वाली, उसमें इंग्लिश पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इंग्लिश की बेसिक क्लास हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। इंग्लिश की बेसिक क्लास हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है। और वो बेसिक क्लास दोस्तों जल्द ही आपकी चलवाई जाएगी। और कल आना मत भूलिएगा दोस्तों, कल 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 2 घंटे की महामैराथन क्लास है दोस्तों। कल 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की महामैराथन क्लास है और कल आप लोग आना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 से शुरू करते हैं। हम लोग 43 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और 44 क्या है आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है A इक्वल टू यक्स, ठीक, जहां पर यक्स बिलोंग्स टू आर, यक्स बिलोंग्स टू आर, और लिखा है दोस्तों एवं 0 is greater than r is less than 1। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भी दोस्तों। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमको ये बताना है कि लिखा है कि a बराबर यक्स मतलब सच दैट यक्स बिलोंग्स टू r एवं 0 is less than yx is less than 1। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन ए का सदस्य नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/2, 1/3, 1/4 और 1। तो दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि ये किस प्रश्नावली की सवाल है। जी हाँ दोस्तों, किस चैप्टर का सवाल है, एक बार आप लोग कमेंट करिए तो मैं देखूं कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट करिए दोस्तों और बताइए कि ये किस प्रश्नावली का सवाल है दोस्तों। देख रहा हूं दोस्तों अभी तक कोई कमेंट नहीं आया दोस्तों, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपका समुच्चय का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, पहला चैप्टर इंटर में था दोस्तों, समुच्चय चैप्टर था, उसी का सवाल है। कह रहा है कि यक्स बिलोंग्स टू आर, यक्स जो है आर से बिलोंग करता है और आर का मतलब है दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरा रियल नंबर है दोस्तों, और डॉट डॉट। तो दोस्तों कह रहा है कि आर का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक, मतलब आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए दोस्तों और 1 से छोटा होना चाहिए। हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, अर्थात 1/2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि 1/2 आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है दोस्तों। इसका मतलब ये सही है। इस पर चलते हैं दोस्तों 1/3, 1/3 का जो मान है दोस्तों ये भी आपका 0 से छोटा है और जीरो से बड़ा है दोस्तों और एक से छोटा है, अर्थात इसको जब भाग देंगे दोस्तों तो 0.3 करके और कुछ आएगा। इसको जब भाग देंगे दोस्तों 0.5 आएगा। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, जीरो से तो बड़ा है लेकिन एक से छोटा है दोस्तों। उसी तरह 1/4 का मान जो है जीरो से तो बड़ा आएगा दोस्तों, यानी कि 0.25 करके आएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, जीरो से तो बड़ा है लेकिन एक से छोटा है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो हम देख रहे हैं कि ये जीरो से तो बड़ा है लेकिन दोस्तों एक से छोटा नहीं है, अर्थात पूछ रहा था कि कह रहा था कि निम्नलिखित में से ए का सदस्य नहीं है दोस्तों। तो ए का सदस्य नहीं है कौन नहीं होगा दोस्तों, एक नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। कह रहा था कि 0 से बड़ा हो आर का मान और 1 से छोटा हो दोस्तों। तो देखा हमने कि ये भी तीनों मान आपके 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, अर्थात ये तीनों आपका सही है लेकिन ये मान आपका गलत है, अर्थात ए का सदस्य कौन सा नहीं होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका ए का सदस्य नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, शेयर करिए। हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या लिखा है देखिएगा। उस परवलय का समीकरण क्या है जिसके शीर्ष का निर्देशांक 1,1 है, नाभि 1,2 है। तो दोस्तों देखिए, परवलय दिया गया है, कोई भी परवलय आप बना लीजिए। परवलय वाला चैप्टर हमने दोस्तों विस्तार में बताया है, परवलय वाला चैप्टर हमने विस्तार से बताया है। और शंकु परिच्छेद का सेट नंबर 2 चल रहा है दोस्तों, और ये शंकु परिच्छेद का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो शंकु परिच्छेद चैप्टर हमने पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। कम से कम 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसका निर्देशांक बना दें 1, 2, 3, 4, ठीक, 1, 2, 3, 4। कह रहा है दोस्तों कि जो परवलय है ना, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष का निर्देशांक 1,1 है। इसका मतलब दोस्तों शीर्ष आपका यहीं पर है, ये आपका शीर्ष है, शीर्ष का निर्देशांक 1,1 है और नाभि जो है दोस्तों 1,2 है, नाभि दोस्तों 1,2 है। शीर्ष तो आपका 1,1 है दोस्तों और नाभि आपकी 1,2 है। इसका मतलब x पर 1 मात्रक और y पर 2 मात्रक। जी हाँ दोस्तों, शीर्ष जो है ये 1,1 है दोस्तों और नाभि जो है दोस्तों, नाभि आपकी 1,2 है। इसका मतलब ये परवलय यहां नहीं बनेगा दोस्तों, 1,1, अर्थात ये है बिंदु आपका 1,1 दोस्तों। और 1,2 कहाँ है दोस्तों, ये है बिंदु आपका 1,2। इसका मतलब दोस्तों जो परवलय बनेगा आपका, जो परवलय बनेगा दोस्तों वो इस तरह बनेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी नाभि हो जाएगी। नाभि का मान दोस्तों है 1,2 और शीर्ष का मान है ये। तो दोस्तों अगर नियता की बात करें दोस्तों, नियता की बात करें तो अर्थात 1,2 ये है और 1,1 ये है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए दोस्तों, जब भी आपको परवलय का शीर्ष, ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों। जब भी आपको परवलय का शीर्ष 1,1 मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, परवलय का शीर्ष 1,1 मिल जाए तो याद रखिएगा इसकी जो नियता होगी दोस्तों, इसकी जो नियता होगी ये y = 0 होगी दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको परवलय का शीर्ष दोस्तों 1,1 मिल जाए तो इसकी जो नियता होगी दोस्तों वो y = 0 होगी। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कह रहा था कि परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक 1,1, नाभि आपकी, नाभि दोस्तों 1,2, नाभि क्या है दोस्तों, नाभि 1,2 है और नियता हमने लिख लिया दोस्तों y = 0। ये आपकी नियता है दोस्तों। तो परवलय का समीकरण दोस्तों जो हो जाएगा, परवलय का समीकरण दोस्तों हो जाएगा, यानी कि देखिए सूत्र होता है अब अगर बिंदु मान लीजिए x कामा y है और नाभि आपकी 1,2 है दोस्तों, तो जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दोस्तों अंडर रूट यक्स, देखिए होता क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लगा रहता है इसलिए आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, अर्थात x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों बराबर। अब देखिए नियता का समीकरण दोस्तों दिया गया है y बराबर 0। क्या दिया गया है दोस्तों? y बराबर 0। तो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है हमारा, हमने बताया है शंकु परिच्छेद वाले चैप्टर में विस्तार में। अगर यहां पर दोस्तों समझने में दिक्कत हो, यहां पर अगर समझने में दिक्कत हो तो आप एक बार पीछे जाकर के शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये बराबर हो जाएगा, जो आपका नियता है चूंकि y बराबर 0 है तो इसीलिए केवल y हो जाएगी दोस्तों। अगर अभी ax प्लस बी वाई वन प्लस सी के रूप में होता दोस्तों तो यहाँ पे सूत्र लगता डाले गए लंब की माप वाला, और डाले गए लंब की माप होती है दोस्तों ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों। ठीक, ये सूत्र होता है दोस्तों। तो अब चूंकि हमको पता है कि यहां पर y बराबर 0 दिया गया है, अर्थात सारा मान 0 हो जाएगा, केवल y वाला यहां बचेगा और यहां b बचेगा, तो इसीलिए केवल y बचा दोस्तों। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, अर्थात पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला नियम लगा रहे हैं, प्लस है प्लस पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस 2 दूना 4 वाई बराबर वाई स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कट गया दोस्तों, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या देखिए, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 प्लस 1 यानी कि प्लस 5 बराबर 0। तो दोस्तों आखिर आपका सही क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। हमने इसमें दोस्तों बताया क्या, केवल ये बताया कि अगर आपको शीर्ष का मान 1,1 दिए रहें तो जान लीजिएगा कि नियता का जो मान होगा दोस्तों वो y बराबर 0 होगा। ठीक, चूंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमने उसमें परवलय वाले में पूरा बताया है शंकु परिच्छेद में कि जो नाभि होती है दोस्तों, नाभि का जो निर्देशांक होता है a,0 होता है। तो a,0 अगर है दोस्तों तो जिन नियता होती है दोस्तों y बराबर माइनस ए होती है। ठीक, तो वही चीज इसमें लिखा गया है दोस्तों। तो अर्थात y बराबर क्या बनेगा दोस्तों, 0 बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं दोस्तों। 46वां प्रश्न क्या है देखते हैं, 46वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देख रहा हूं दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद करिए दोस्तों, और आप लोग शेयर करिए दोस्तों। देखिए ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। हमने कहा दोस्तों कि जिस क्लास में 15 या 20 बच्चों से कम रहेंगे दोस्तों वो क्लास बंद कर दी जाएगी। हमने ये पहले ही बताया है दोस्तों, आज फिर से बता दे रहा हूं। 3-4 दिन में देखूंगा दोस्तों, अगर आपकी क्लास जो है, क्लास में 15 बच्चों से कम बच्चे रहते हैं दोस्तों तो क्लास बंद कर दी जाएगी, याद रखिएगा। अगर 15-20 बच्चों से कम रहते हैं तो क्लास आपकी बंद कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक, तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0 के केंद्र का नियामक है। नियामक का मतलब वही दोस्तों निर्देशांक होता है। तो देखिए दोस्तों शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर मैं एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, उसको आप लोग जरूर और जरूर देख लीजिएगा। ये सेट नंबर दो में शंकु परिच्छेद का दोस्तों ये छठा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शंकु परिच्छेद का ये छठा क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूं। तो दोस्तों सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दोस्तों ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, वृत्त का व्यापक समीकरण है दोस्तों, और हमको पहले इसी रूप में बनाना पड़ेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू माइनस 2y। चूंकि देखिए इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, अर्थात -4y आ जाएगा, प्लस c, और c का मतलब -1 बराबर 0। अब इसको जब तुलना कर देंगे दोस्तों तो देख रहे हैं g का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, f का मान दोस्तों -2 आ जाएगा, और c का मान दोस्तों -1 आ जाएगा। तो कह रहा था कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या है दोस्तों, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछा था, और हमने बताया दोस्तों कि अगर आप इसको GFC का मान निकाल लें तो केंद्र का जो मान होता है दोस्तों -g का -f होता है। प्रश्न अगर यही रहता दोस्तों, और कह देता कि त्रिज्या क्या होगी, तो दोस्तों त्रिज्या का जो सूत्र होता है √g² प्लस f² माइनस c होता है। ये दोस्तों त्रिज्या का सूत्र होता है, ये केंद्र का सूत्र होता है। तो अर्थात पूछा था केंद्र का निर्देशांक तो बराबर g का मान है 2 यानी कि -2, और f का मान है 2 यानी कि माइनस, और -2 यानी कि +2। तो जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा -2, 2। एक बार कमेंट करिए दोस्तों और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। एक बार कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि मैट्रिक्स में से किसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैट्रिक्स में से किसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपको इनवर्स वाला क्वेश्चन मिल जाए तो याद रखिएगा दोस्तों इनवर्स वाले में आपको कुछ नहीं करना, केवल मॉड निकाल लीजिए बस दोस्तों, केवल आप मॉड निकाल लीजिए। और अगर दोस्तों मॉड का मान 0 नहीं आएगा, अगर दोस्तों मॉड का मान 0 नहीं आएगा तो उसका ए इनवर्स निकलेगा दोस्तों, और अगर मॉड ए का मान अगर दोस्तों 0 आ जाएगा तो इसका ए इनवर्स दोस्तों नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। अगर 0 आएगा तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, अगर 0 नहीं आएगा तो उसका ए इनवर्स निकलेगा दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों कह रहा था कि 4 विकल्प दिए हैं, पहले पर चलते हैं दोस्तों, 1 0 1 1 पहला, दूसरा लिखा है दोस्तों 2 4 3 6, तीसरा -1 -1 -1 -2, और चौथा दोस्तों 2 1 -2 1। दोस्तों क्या कह रहा है इसमें कि किसका इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता, किसका इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता मतलब इसको हल करने पर जिसमें 0 मिल जाएगा दोस्तों उसी का इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। आप देख रहे होंगे 4 विकल्प है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर जी इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा। देखो टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं होता क्या है, जब आप इसको खोलते हो ना दोस्तों तिरछा गुणा करना पड़ता है, मतलब इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है, तिरछा गुणा करके दोस्तों घटा दिया जाता है। मतलब पहले वाले का जब करेंगे दोस्तों, पहले वाले करेंगे तो 1 इकन्नम 1 और -1 जिन्हों में 0 अर्थात 1 आ गया। दूसरे वाले करेंगे दोस्तों, दूसरे वाले करेंगे तो 2 6 12 और -4 3 12 यानी कि 0 आ गया दोस्तों, यानी कि इसका मान क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। और अभी अभी हमने बताया दोस्तों कि अगर मान 0 आ जाए, अगर मान 0 आ जाए दोस्तों तो उसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, अर्थात यही चीज पूछ रहा था कि किसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता दोस्तों। तो जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। किसी को कहीं भी दोस्तों समस्या हो तो बताइए, किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइए एक बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों, देख रहा हूं सबका कमेंट देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था दोस्तों। 48 का बताइए आप लोग क्या होगा, 48 का बताइए आप लोग क्या होगा। देख रहा हूं दोस्तों आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, आस्तिक सही जवाब दे रहे हैं आप, नील आप भी सही जवाब दे रहे हैं, राजेश आप भी सही जवाब दे रहे हैं, रौनक आप भी सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। इसका बताइए, देखिए दोस्तों लिखा है 1 + 2x + x स्क्वायर की घात 20, जी हाँ दोस्तों, के विस्तार में कितने पद होंगे। जी हाँ दोस्तों, के विस्तार में कितने पद होंगे दोस्तों, यही बताना है हमको। तो देखिए हमने कहा दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए दोस्तों तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। करना क्या है, देखिए दोस्तों यहां पे अंदर कुछ नियम लग रहा है दोस्तों। नियम क्या लग रहा है यहां पर दोस्तों, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर दोस्तों, मतलब पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, अर्थात इतने की जहां दोस्तों x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और घात 20 लगी है, घात 20। इसका मतलब ये दोस्तों हो जाएगा x + 1 की घात 20 दूना 40। तो दोस्तों जो पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या जो होगी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो पदों की संख्या हो जाएगी दोस्तों, जो घात लगा है ना, जो घात लगी है दोस्तों 40 घात लगी है और घात में +1 जोड़ दीजिए, मतलब अगर n घात लगी है दोस्तों पदों की संख्या n + 1 हो जाएगी। तो वही चीज 40 घात लगी है दोस्तों, तो जो पदों की संख्या है वो 40 + 1 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। तो अर्थात क्वेश्चन नंबर 48 में जो सही है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, बताइए किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, बताइए। तो देख रहा हूं दोस्तों कमेंट आ रहे हैं कि आ गया सर आ गया, तो ठीक है। तो ये था जो है प्रश्न। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 48 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है दोस्तों इक्वेशन, लिखा है दोस्तों इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। दोस्तों ये द्विपद प्रमेय का है, मतलब क्रमचय संचय का। तो देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, देख रहे हैं कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है दोस्तों, तो 8 का फैक्टोरियल -1। 9 पद होता है दोस्तों, तो 9 का फैक्टोरियल -1। 10 पद होता है दोस्तों, 10 का फैक्टोरियल -1। अगर केवल इतना कह रहा है कि कितने प्रश्न मतलब कितने तरीके से सजाया जा सकता है दोस्तों, तो उसी का फैक्टोरियल करके -1 कर दीजिए। लेकिन अगर इसी में भी कोई कंडीशन दे दी जाती, मतलब दोस्तों कंडीशन दे दी जाती कि सभी स्वर एक साथ हो दोस्तों, अगर कंडीशन दे दी जाती कि सभी स्वर एक साथ हो तो इसका मान बदल जाता दोस्तों। फिर हम क्या करते कि जितने स्वर हैं उसको इकट्ठा कर लेते, उसके बाद गिनते दोस्तों कितने पद हो रहे हैं। इस नियम के दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताया है, तो आप पिछले वीडियो में अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों। तो अर्थात इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 और -1, यानी कि इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों 2 3 6 4 24, 24 पंचे 5 चौक 20, हंसी लगे 2 और 5 दूनी 10 2 12 120 और 120 × 6 12 × 72 720 और 720 × 7 करेंगे दोस्तों 7 दूना 14 और 7 7 49 1 50, अर्थात दोस्तों 50 40 और 50 40 × 8 करेंगे तो 8 चौक 32 की 2 हंसी लगे 3 और 3 8 पंचे 40, 320 आ जाएगा दोस्तों इसको हल करने पर। अब -1 है दोस्तों, -1 कर दीजिए, अर्थात जो इसका आंसर आएगा दोस्तों, अर्थात जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 40 319। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 319 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। कहीं कोई समस्या हो दोस्तों बताइए। दीपक कह रहे हैं सर पिछली क्लास कहाँ मिलेगी, तो दीपक जो है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीचे जब चैनल जो लिखा है वहां पे क्लिक करिए, वहां जब क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां ऊपर प्लेलिस्ट लिखा होगा, वहां पर जाकर के आप देखिएगा तो आपको जो है मतलब कि मैथ प्रैक्टिस सेट 1, मैथ प्रैक्टिस सेट 2, मैथ प्रैक्टिस सेट 3, तो दोस्तों उसमें मिल जाएगा वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों और आज का जो है अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 49 ही था दोस्तों, नंबर मैंने बदला नहीं था, क्वेश्चन नंबर 49 ही था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है यदि किसी एपी में पदों की कुल संख्या 2n-1 हो, जी हाँ दोस्तों पदों की कुल संख्या 2n-1 हो, उसके तो उसके विषम पदों के योगफल एवं सम पदों के योगफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। ठीक यही है, मतलब क्या कह रहा है दोस्तों कि आपका एक मतलब दिया गया है कि पद जो कुल टोटल हैं वो दोस्तों 2n+1 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों, 2n+1 पद हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, a1, a2, a3, a4, a5 डाटा ऐसे ही अगर है दोस्तों। अगर हम माने कि a1 का मान a है, पहला पद क्या है दोस्तों, पहला पद अगर हम a माने और सर्वांतर मतलब दोस्तों प्रथम पद a मान लें और सर्वांतर दोस्तों सर्वांतर इसका d मान लें। ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों, देखिए पहले समझिए, उसके बाद जहां अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, जहां 5 या 6 सेट का मैथ सॉल्व किए ना, फिर आप ये कहेंगे दोस्तों कि आप बढ़िया किए कि मैथ का अलग से क्लास नहीं चला। तो दोस्तों अलग से क्लास चलेगा तो उसमें एक एक चैप्टर पूरा विस्तार में बताया जाएगा और इतना टाइम आपके लिए पास नहीं है दोस्तों। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रही है ये उन बच्चों के लिए चल रही है जिनको इस बार एग्जाम देना है दोस्तों। ठीक, तो आप हमारे साथ केवल प्रैक्टिस करते रहिए, केवल प्रैक्टिस करते रहिए और आ जाएगा दोस्तों। तो सुनिएगा क्या कह रहा है, अगर दोस्तों अगर हम विषम पदों की बात करें, विषम पदों के लिए तो दोस्तों योग का जो सूत्र होता है, योग का जो सूत्र होता है दोस्तों Sn = n/2। यहां पे लिखता हूं Sn = n/2 2a + n-1 × d, यही सूत्र होता है दोस्तों। पदों के योग का सूत्र दोस्तों यही होता है। अब विषम पद के लिए अगर पद विषम होगा दोस्तों, तो विषम पद कौन सा है, ये है, ये है, ये है, तो अर्थात विषम पद के लिए a का मान तो यही होगा, यानी कि प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, विषम पदों के लिए प्रथम पद तो दोस्तों a होगा, लेकिन सर्वांतर क्या होगा दोस्तों, इसके बीच का अंतर d है, इसके बीच का अंतर d है, इसके बीच का अंतर d है, इसके बीच का अंतर d है दोस्तों। तो अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे तो इसके बीच का अंतर क्या होगा दोस्तों, 1d और 1d, अर्थात कितना d दोस्तों, 2d, यानी कि सर्वांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांतर क्या हो जाएगा इसका सर्वांतर हो जाएगा 2d। समझ में आया कि 2d कैसे हुआ कि नहीं, ये बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। तो देख रहा हूं कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैसे हो गया। तो सुनिएगा फिर से, ये मान लीजिए पद है a1 a2 a3, मतलब अगर हम दोस्तों गिनती लें, गिनती से देख लीजिए एक बार पहले, 2 4 6 8 10 मान लीजिए यही है, या फिर इसको ना मानिए 1 2 3 4 5 6 यही। तो यहाँ के बीच का अंतर 1 है, यहाँ के बीच का अंतर 1 है, यहाँ के बीच का अंतर 1 है, यहाँ के बीच का अंतर 1 है। तो दोस्तों जो ये 1 आ रहा है ना, ये 1 हमारा d है, 1 हमारा क्या है दोस्तों, d है। तो दोस्तों अगर भी मैं कहता यहां से यहां के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, यहां से यहां के बीच का अंतर क्या है, तो आप कहते 1 और + 1, हमने कहा दोस्तों 1 का मतलब d है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, d और + d, यानी कि d + d कितना हो जाएगा दोस्तों, 2d हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा है दोस्तों कि प्रथम पद आपका a हो जाएगा और सर्वांतर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2D हो जाएगा। किसी को कहीं समस्या हो दोस्तों बताइए। कह रहा था दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है, क्या कह रहा है मतलब प्रश्न में लिखा है कि पदों की संख्या 2n+1 है। क्या कह रहा है कि पदों की संख्या 2n+1 है। इसका मतलब दोस्तों अगर इसमें हम सम पद निकालेंगे दोस्तों तो -1 अर्थात 1 घटा करके निकालेंगे तो इसमें n पद जो है सम होंगे दोस्तों और n+1 पद दोस्तों विषम होंगे। यानी कि सम पदों की संख्या n होगी और विषम पदों की संख्या दोस्तों n+1 होगी। इसका मतलब विषम पद के लिए n का मान कितना होगा दोस्तों n+1 होगा। अब देखिए हम सूत्र में मान रख देंगे n बराबर n/2 2a + n-1 × d अर्थात n का मान n+1/2 और 2a + n का मान n+1 - 1 × d। अब देखिए d का मान कितना है दोस्तों, d का मान अर्थात d है सर्वांतर यहाँ पे और इसका मान 2d है तो d की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। अब देखिए n+1/2 दो इसमें भी है, दो कॉमन ले लीजिए और आ क्या जाएगा दोस्तों a + 1 से 1 कट जाएगा n d। 2 से 2 कट गया दोस्तों n+1 और a + n d बच जाएगा। ये हमारा आ जाएगा किसके लिए दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा विषम पदों के लिए दोस्तों। विषम पदों के लिए योग जो होगा वो इतना हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह सम पदों के लिए निकालेंगे दोस्तों। देख लीजिएगा इसी में मैं निकाल देता हूं दोस्तों। जब आप सम पद के लिए निकालोगे, सम पदों के लिए क्या होगा, सम पद आपका कहां से प्रारंभ होगा दोस्तों, दूसरे से। अर्थात सम पदों के लिए a बराबर होगा दोस्तों a + d और दोस्तों जो सर्वांतर होगा अर्थात इसके और इसके बीच का अंतर क्या होगा d और + d अर्थात d का मान दोस्तों 2d ही रहेगा और n का मान दोस्तों n ही रहेगा। तो यहां से n निकालेंगे तो n/2 2a + n - 1 × d यही फार्मूला होता है दोस्तों। तो n का मान n ही है तो n ही रहेगा और 2a का मान है दोस्तों a + d तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2a + 2d हो जाएगा। 2a + 2d हो जाएगा दोस्तों और प्लस n का मान n है, ये है तो n+1 × d हो जाएगा अर्थात n/2 और d का मान दोस्तों यहां से 2d होगा। d का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। एक बार दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि सब दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों देख रहा हूं कमेंट कर रहे हैं आप लोग। अर्थात दोस्तों क्या होगा, दो इसमें भी है, दो कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा क्या दोस्तों a + d और + d शामिल कर दीजिए तो n d और प्लस दोस्तों d। इतना हमारे पास बच जाएगा। तो यहां से दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा अर्थात n और इसमें देखिए दोस्तों a d + n d और d। तो इसका मतलब दोस्तों d और d कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा a + 2d और + n d। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो दोस्तों, बताइएगा। मोहित कह रहे हैं कि सर गलत कर दिए, मोहित सही कह रहे हैं। यहाँ पे -1 है दोस्तों, यहाँ पे -1 है तो जब इसमें हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे -d हो जाएगा और d से d हमारा कट जाएगा। बचेगा क्या a + n d। जी हाँ दोस्तों a + n d। तो अब ये था दोस्तों विषम पद के लिए, ये था सम पद के लिए और कह रहा था दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा था देखिएगा, कह रहा था कि विषम पदों के योगफल एवं सम पदों के योगफल का अनुपात। जी हाँ दोस्तों विषम पदों के योगफल और सम पदों के योगफल का अनुपात। तो विषम पदों का योगफल है दोस्तों n+1 और a + n d और सम पदों का योगफल है दोस्तों n और a + n d। तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों अर्थात आ क्या जाएगा n+ 1:n। ये था दोस्तों आज का प्रश्न और 50 प्रश्न अर्थात सेट 2 हमारा पूरा हो गया। अगला जो चलेगा हमारा सेट 3 चलेगा दोस्तों, और सेट 3 में सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी सॉल्व करते हैं। तो कल आपका पैसेज पहले रहेगा, कल संडे स्पेशल में आपको पैसेज बताया जाएगा। कल संडे स्पेशल में आपकी 2 घंटे की मैराथन चलेगी दोस्तों। कल आपकी 2 क्लास रहेगी और दोनों क्लास में आइएगा जरूर दोस्तों। तो ये था आज का प्रश्न। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर कोई समस्या रही हो दोस्तों तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। अभी जब खत्म हो जाएगा वीडियो तो एक बार फिर से देखिएगा, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से लिखिए जय हिंद। अगर मजा आई हो दोस्तों तो एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। आज मैंने एक भी बार आपको जय हिंद लिखने को नहीं कहा दोस्तों। तो एक बार लाइक करिए, एक बार जय हिंद करिए दोस्तों। और अगर चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।